हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे बिहार पॉलिटेक्निक का कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करेंगे और कितना सीट है और कितने रैंक तक आपको बिहार पॉलिटेक्निक में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा और कितने कॉलेज है और कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट है, इसके बारे में डिटेल हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए अब हम चालू करते हैं कि कौन से कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है। देखिए NGP पटना 13, ठीक है, ये पटना 13 में है और यहाँ पे टोटल आपका 480 सीट है, ठीक है। कितना है? 480, ठीक है, सीट है। तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो। GP पटना 7 आपका यहाँ पे 390 सीट है एंड GP मुजफ्फरपुर, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में आपका टोटल 360 सीट है एंड फिर GP भागलपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका 360 सीट है एंड GP सहरसा में भी 360 सीट है एंड GP गया में भी 360 सीट है एंड दरभंगा में भी आपका 360 सीट है। मतलब कि टोटल कॉलेजेस में लगता है लगभग 360 सीटें हैं एंड किस किस एक दो कॉलेजेस में जिसमें कि आपका 390 सीट है, जैसे कि GP बरौनी में आपका 360 है और GP पूर्णिया में भी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पूर्णिया में भी 360 है एंड 360 है। मतलब कि लगभग आपका सारे कॉलेज में 360 सीट है एंड एक देख सकते हैं GP लखीसराय, ठीक है, लखीसराय में आपका 120 सीट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस कम है, इलेक्ट्रिकल, फिर सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, ये चार ही ब्रांच है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कि मतलब ये भी बहुत सारे कम ब्रांचेस हैं, धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो टोटल सीट की अगर हम बात करें तो बिहार गवर्नमेंट में अगर टोटल सीट जो है आपका पॉलिटेक्निक के लिए वो 15,450 है, ठीक है, 15,450 है, लेकिन इसमें बॉयज़ प्लस गर्ल, ठीक है, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है, इसका सीट है 15,450 एंड सिर्फ गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उसका भी दो कॉलेज है, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में है, फिर एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, ठीक है, ये दोनों का टोटल सीट मिला के 720 हो जाता है, लेकिन ये जो दो कॉलेज है इसमें सिर्फ आपका गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना एंड गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर, ठीक है, इसमें जो आपका एडमिशन है सिर्फ गर्ल्स का होगा, लेकिन ये जो 44 कॉलेजेस की जो मैंने बताया संख्या जो 15,450 है, इसमें बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों का होगा। मतलब कि इतने सारे सीट हैं और इतने कॉलेजेस हैं, मतलब टोटल अगर हम कॉलेज के बात कर लें तो आपका 46 कॉलेजेस हैं यहाँ पे, 46 कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों फाइट कर सकते हैं, लेकिन 44 कॉलेज ऐसे हैं जिसमें कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों फाइट कर सकते हैं और एक ऐसा दो ऐसा कॉलेज है जिसमें कि सिर्फ गर्ल्स ही फाइट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ गर्ल्स को ही अलॉट हो सकता है वो है आपका, एक है गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना, एक गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर, ठीक है। एंड टोटल सीट आपका हो गया अगर लगभग हम बात करें, ठीक है, तो 15,450 है बच्चों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ के लिए। तो हम इसी रैंक के बारे में बात करेंगे कि आपका कितना रैंक तक आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। देखो अगर आपको बिहार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है ना तो 14, जैसे कि 15,450 टोटल सीट है, ठीक है, 15,450 टोटल सीट है, 15,450, तो लगभग अगर आपका 17,000 से 18,000 तक रैंक है, ठीक है, 17,000 से 18,000, सो आप ट्राई कर सकते हो या तो फिर हाईएस्ट 20,000 से 21,000 तक जा सकते हो, ठीक है। चलो 20,000 से 21,000 तक आपका रैंक है तो आप सेफ रैंक के सेफ जोन के अंदर हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होके उनको लगता है कि मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, अगर लगता है उनका रैंक बहुत ज़्यादा रहता है तो ट्राई नहीं करते हैं, जिनके कारण, ठीक है, जिनके कारण वो 12 में एडमिशन ले लेते हैं और उनका सीट वैकेंट रह जाता है, फिर आप लोग को वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो सो आपका अगर 20,000 से 21,000 के बीच में रैंक है तो आप बिहार पॉलिटेक्निक में ट्राई कर सकते हैं, आपको मिल सकता है, ठीक है। एंड कैटेगरी रैंक की भी अगर हम बात करें तो SC में आपका 6,180 सीट है, ठीक है, सॉरी UR में आपका 6,180 सीट है एंड SC की बात कर ले, SC कैटेगरी में 2,472 सीट है, तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो। कैटेगरी वाइज हम रैंक की बात करें तो आपका ST में 154 है एंड फिर आपका EBC में 2,781 है एंड आपका BC में 1,854 है एंड RCG में आपका 464 है एंड आपका EWS में 1,545 है। मतलब सारे कैटेगरी के मैंने बात कर ली कि कितना है एंड यहाँ पे आपका वुमेंस 5% टोटल एडिशन सीट, मतलब कि यहाँ पे जो 33% रिजर्वेशन दिया जाता है उसका भी जिक्र होगा, ठीक है। एंड आई होप आप सभी को ये सारा चीज़ समझ में आएगा कि मतलब कि अगर आपका 20,000 से 21,000 भी रैंक है तो आपको बिहार पॉलिटेक्निक में ईजिली एडमिशन मिल जाएगा एंड कौन से कॉलेज में मिलेगा इस चीज़ के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है एंड जानना है तो प्लीज़ सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अगर आप सभी लोग कमेंट करते हो कि अगर कॉलेज बाय कट ऑफ का वीडियो लाने के लिए तो आप सभी लोग ऐसा करना
कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो। मैं लाइव आकर डिस्कशन कर लूँगा कि कौन से कॉलेज पर आपको कितने रैंक तक मिल सकता है, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।